हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट जो है कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने ये समझा था कि स्प्रिंग बूट क्या होता है। जब हमारे पास सर्वलेट्स ऑलरेडी थे तो हम लोगों ने स्प्रिंग MVC क्यों पढ़ा, उसके बाद स्प्रिंग MVC जब आया तो उसमें उसके बाद हम लोगों ने स्प्रिंग बूट क्यों पढ़ा, मतलब स्प्रिंग MVC में क्या प्रॉब्लम थी। तो फर्स्ट किट दो वीडियो में हम लोगों ने ये समझा है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि मेवन क्या होता है, मेवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है, वो क्या होता है, कैसे हमारी चीज़ों को आसान करता है, वो हम लोगों ने देखा। अब आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो है तुमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर तुमको पड़ती है सबसे पहले तो जावा वर्जन, हो गया ऑब्वियस सी बात है कि तुमको एटलीस्ट जो है जावा 8 से ऊपर ही रखना है, एटलीस्ट जावा 17 रखना पड़ेगा। ये गाइस जावा 17 से ऊपर ही रखना पड़ेगा, तो जावा 17 से ऊपर तुम्हें रखना पड़ेगा या फिर शायद जावा 11 से ऊपर, वो अभी देख लेंगे हम लोग। उसके बाद तुमको IDE की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हम लोगों ने कोर जावा के प्रोग्राम्स जो हम लोग क्रिएट करते थे वो हम एक्लिप्स में क्रिएट करते थे, ठीक है। अब क्या है, हम लोग अपने स्प्रिंग बूट के प्रोग्राम ये थोड़ी सी आईडी अच्छी हैं, इंटेलिजे हो गया और स्प्रिंग टूल सूट हो गया, तो अगर इसमें क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे। तो देख लेते हैं कि हम लोग सबसे पहले इंटेलिजे कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इंटेलिजे जो तुम्हारा आता है वो दो उसके वर्जन होते हैं, एक होता है कम्युनिटी एडिशन, एक होता है अल्टीमेट एडिशन। अल्टीमेट एडिशन जो होता है वो तुम्हारा पेड होता है और इसके अंदर एक एडवांटेज ये होता है कि तुम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट जो है वो डायरेक्टली IDE के अंदर से क्रिएट कर सकते हो। लेट सपोज जैसे तुम्हारी IDE है, ठीक है, तो इस IDE के अंदर लेट सपोज यहाँ पर तुम्हारे पास फाइल में जब जाओगे तो ऊपर ऑप्शन बन के आएगा न्यू प्रोजेक्ट, न्यू स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करने का, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं करेंगे फ्री एडिशन, कम्युनिटी एडिशन, ठीक है, इसमें वो ऑप्शन तुम्हारा IDE के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि कैसे फिर हम लोग क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट, वो अभी आगे समझेंगे। तो सबसे पहले तुमको इस लिंक पे क्लिक करना है, विजिट इंटेलिजे आइडिया, ये लिंक्स वगैरह हम डिस्क्रिप्शन में सब दे देंगे, और यहाँ से तुमको अपना कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद तुमको चाहिए पड़ेगा सबसे पहले पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या होता है, तो पोस्टमैन जो होता है वो तुम्हारा API टेस्टिंग टूल होता है। जो भी तुम स्प्रिंग बूट के अंदर API बनाओगे उसको टेस्ट करने के लिए जो है ये काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तुमको जाना है डाउनलोड पोस्टमैन, पोस्टमैन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, जो भी तुम्हारा सिस्टम हो उसके अकॉर्डिंग। अब सेकंड चीज़ आती है कि स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट हम लोग फ्री वाली जो IDE है कम्युनिटी एडिशन उसमें कैसे डाउनलोड करें, उसमें कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले गूगल में आना है, यहाँ लिख देना है स्प्रिंग इनिशलाइजर। तो ठीक है, ये एक तुम्हारा टूल होता है जो कि स्प्रिंग की तरफ से मिलता है जिससे हम लोग अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले पूछता है कि तुमको क्या चूज़ करना है, ग्रेडल या मेवन। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होते हैं, मेवन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी समझा है, तो हम लोग यहाँ मेवन ही चूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड चीज़ चूज़ करेंगे यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज में हम लोग काम करने वाले हैं, कॉटलिन, ग्रूवी, जावा। कॉटलिन बेसिकली एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए होती है, जावा हम लोग चूज़ करेंगे। उसके बाद तुम्हें अपना यहाँ पर पैकेज का नाम देना है com.thecodersTV और स्प्रिंग बूट, ठीक है, ये अपना सब ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पर तुम डिस्क्रिप्शन अपना चेंज कर सकते हो कि फर्स्ट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। अब तुम देख सकते हो यहाँ जावा के वर्जन जो है 3 आ रहे हैं, 17, 21, 22, इसलिए तुमको अपना जावा का वर्जन इन्हीं तीनों में से कोई एक रखना पड़ेगा, मतलब तुमको अपना जावा वर्जन जो है 17+ रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यही 3 वर्जन अलाउ अभी हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर अभी इसको एक्सप्लोर करोगे जो तुमने प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, तो इसके अंदर तुम देख सकते हो ये pom.xml खुली है। pom.xml के अंदर अभी के लिए फिलहाल यहाँ दो डिपेंडेंसी पड़ी हैं, एक पड़ी है स्प्रिंग बूट स्टार्टर, एक पड़ी है स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी समझी थी ये वाली वीडियो में हमारी, कि स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट डिपेंडेंसी जो है, स्टार्टर टेस्ट इसका क्या काम होता है। तो स्टार्टर टेस्ट डिपेंडेंसी जो है इसका काम बेसिकली ये होता है कि जब भी तुम अपने आगे अपनी एप्लीकेशन के लिए टेस्ट केसेस लिखोगे अपनी API के लिए, तो वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है स्टार्टर टेस्ट डिपेंडेंसी के थ्रू तुम अचीव कर पाओगे, ठीक है। अभी इसके पहले की बात करें तो हम लोगों को स्टार्टर टेस्ट यहाँ डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक नहीं मिलती थी स्प्रिंग MVC के अंदर, तो हम लोगों को सेपरेटली लगाना पड़ता था। स्टार्टर टेस्ट डिपेंडेंसी के आने से टेस्टिंग करने के लिए, API की टेस्टिंग करने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सब मिल जाती है। अब एक इसके बाद चीज़ है यहाँ पर स्टार्टर, नॉर्मल स्टार्टर, स्प्रिंग बूट स्टार्टर। सेकंड चीज़ एक डिपेंडेंसी होती है, चाहिए पड़ती है स्टार्टर वेब।
स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी ऐसी डिपेंडेंसी होती है जिसके थ्रू ये तुम्हें वो चीज़ें प्रोवाइड कराता है जिसको तुम्हें एक वेबसाइट बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सर्वर हो गया और सारी चीज़ें हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आके स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, स्प्रिंग बूट। इससे क्या होगा, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी लग जाएगी। यहाँ पर स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब तुमने देखा वो लग गई है, ठीक है। और जो नॉर्मल वाला था, स्प्रिंग बूट नॉर्मल वाला जो था स्प्रिंग बूट स्टार्टर, वो हट गया है। अभी इसको हटाएंगे और अगर यहाँ पर वापस आके देखेंगे तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर की डिपेंडेंसी आ गई होगी, ये देखो स्प्रिंग बूट स्टार्टर, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर आकर के वेब की डिपेंडेंसी लगा देंगे तो तुम देख सकते हो यहाँ पर एक्सप्लोर करने पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी आ गई, मतलब वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको जो है जनरेट कर लेंगे, तो zip फाइल एक डाउनलोड होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने zip फाइल डाउनलोड कर ली। अब जहाँ पर भी zip फाइल डाउनलोड हुई है उसको ओपन कर लेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये फोल्डर हमारा बाहर आ जाएगा। अब सिंपली हमको क्या करना है, अपनी आईडी के अंदर वो प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। तो ओपन पे क्लिक करेंगे, एक सेकंड, मेरा थोड़ा सा सिस्टम ये हैंग कर गया आईडी। तो हम लोग सबसे पहले जो है इंटेलीजे ओपन कर लेंगे। तो इंटेलीजे ओपन करने के बाद यहाँ ओपन बटन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और जिधर भी तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है सेव्ड है उधर जाओगे तुम। तो यूट्यूब के अंदर हम लोगों ने सेव किया कंटेंट के अंदर स्प्रिंग बूट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इसको जो है ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो है हमारा ओपन हो गया, ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमारा जो है ओपन हो गया। अब जैसे ही ये प्रोजेक्ट ओपन हुआ तो तुम देखोगे यहाँ पर जो तुम्हारी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ हैं, उस एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ के अंदर तुम देखोगे तुमको यहाँ पर सबसे पहले टॉमकैट सर्वर मिल जाएगा, टॉमकैट एम्बेडेड सर्वर। तो मतलब तुमको वो झंझट नहीं पड़ेगी कि तुम अलग से आकर के टॉमकैट सर्वर डाउनलोड कर रहे हो और लगा रहे हो, जो कि हम लोग इसके पहले प्रॉब्लम्स फेस करते थे जब स्प्रिंग एमवीसी वगैरह में तुम प्रोग्राम बनाओगे। हालांकि हम लोगों ने स्प्रिंग एमवीसी नहीं पढ़ा, लेकिन स्प्रिंग एमवीसी में जब प्रोग्राम पढ़ोगे उसके प्रोग्राम्स बनाओगे तो तुमको खुद से ही जो है टॉमकैट सर्वर डाउनलोड करके लगाना पड़ेगा। इसके साथ सर यहाँ पर जे यूनिट की डिपेंडेंसीज मिल जाती हैं। तो जे यूनिट क्या होता है, जब तुम अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बना लोगे तो उसकी एपीआई की टेस्टिंग करने के लिए सारी डिपेंडेंसीज, मॉकिटो वगैरह भी उसी से रिलेटेड होता है, ये सब एसर्ट जे भी जो है उसी से रिलेटेड होता है, ये सारी चीज़ें जो है तुमको मिल जाती हैं, ठीक है। अब इसका फोल्डर स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर तुमको किसी भी और फोल्डर से कोई मतलब नहीं है लेना देना, तुमको खाली SRC फोल्डर से मतलब है। SRC को ओपन करो, इसके अंदर मेन फोल्डर है और एक टेस्ट फोल्डर है। टेस्ट फोल्डर के अंदर तुम्हारे टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट केस यहाँ ऑलरेडी लिखा है छोटा सा, ये अभी के लिए फ़िलहाल हमें इससे मतलब नहीं है। अब मेन फोल्डर के अंदर एक जावा फोल्डर है, रिसोर्सेज फोल्डर है। रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर स्टैटिक है, टेम्पलेट्स है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये हम लोग आगे समझेंगे ये क्या होता है। अभी के लिए फ़िलहाल सबसे पहले जावा फोल्डर ओपन करते हैं और इसके अंदर तुम देखोगे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एक ही क्लास बनी हुई है। तो जिस तरीके से हमारे कोर जावा एप्लीकेशन में हमारी कोर जावा एप्लीकेशन के अंदर मेन जो मेथड होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारी एप्लीकेशन का, ठीक है। मेन मेथड जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारी एप्लीकेशन का। उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारी ये वाली क्लास है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये हमारी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी स्प्रिंग बूट प्रोग्राम के लिए, ठीक है। अभी इसको समझेंगे हम लोग क्या होता है, ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी अगर हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो तुम देख सकते हो यहाँ पर जो है हमारा लोगो बन के आ जाएगा स्प्रिंग बूट का, और लिख करके आ जाएगा कि आपका जो टॉमकैट सर्वर है वो 8080 पोर्ट पे स्टार्ट हो गया है। तो तुम देख सकते हो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाना कितना आसान है, हमने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी, मात्र 10 सेकंड के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। सिर्फ यहाँ पर सेटिंग कर दो कि तुमको क्या क्या डिपेंडेंसीज चाहिए, उसके बाद प्रोजेक्ट को जनरेट करने के बाद उसको इंपोर्ट कर लो, सीधा चला दो प्रोजेक्ट, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, कुछ नहीं। हम लोगों ने स्प्रिंग कोर में कितनी कॉन्फ़िगरेशन करी, स्प्रिंग JDBC में, ORM में कितनी कॉन्फ़िगरेशन करते आ रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे फीचर्स जो स्प्रिंग कोर में होते हैं, स्प्रिंग ORM में होते हैं, वो सारे फीचर्स डिपेंडेंसी इंजेक्शन के और IOC कंटेनर वगैरह सब कुछ इसके अंदर भी आता है, स्प्रिंग बूट के अंदर भी। और साथ ही साथ यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं,
ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि @SpringBoot application annotation जो होता है वो किस काम के लिए होता है, ये क्यों लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।